हेलो गाइस, वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड प्रभात कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच के अंतर के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो दोस्तों, यदि हम वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन का प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया ही कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में CO2 व जल का निर्माण होता है। लेकिन यदि अवायवीय श्वसन की बात करें तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यदि हम वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वहीं हम यदि अवायवीय श्वसन की बात करें तो इसमें ऊर्जा वायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ही कम मुक्त होती है। तो ये था प्रमुख अंतर वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।